डेढ़ साल पहले मैं यहाँ आया था जब खुशहाल सर की रिस्टोरेशन की मुहिम शुरुआत की थी। ज़िला इंतज़ामिया, SMC, लेक एंड वाटर वेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नगीन लेक की जो सिविल सोसाइटी है जिन्होंने नगीन लोग रिस्टोर करके दुनिया को दिखाया है, मंजूर वांगनू जी जिनकी सदारत में ये काम करती है और अगल बगल के सभी शहरी ने खुशहाल सर को रिस्टोर करने का काम शुरू किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्टोर हो गया है, रिस्टोरेशन चल रहा है। डेफिनेटली जो है इसको जैसे दूसरे लेक्स हैं हमारे तो वैसे उसी लेवल पर इसको ले जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट एक बार दो बार साफ कर सकती है, अल्टीमेटली इसको साफ रखने इम्पॉर्टेंट है। साफ करने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी साफ रखने में मेहनत लगती है और वो काम जो है सिविल सोसाइटी का है, यहाँ के शहरियों का है, नालको जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का है। लोगों को कन्विंस करें, लोगों की जो हैबिट्स है पिछले 30 साल में जो बनी हुई है, लगता था कि बदलेगा नहीं, ये फिर से रिस्टोर होगा नहीं, जो 80s 90s से जो पहले जो साफ एनवायरनमेंट होता था, पानी क्लीन होता था, वैसा होगा नहीं, ये जो लोगों के मन में जो बैठा था, मुझे लगता है लोग अब समझने लगे कि हो सकता है, पॉसिबल है, लोगों ने यह समझ ले लिया। अब डेफिनेटली जो है उनको कैरी उसको एक्शन में बदलना है, एक्शन जैसे ही बदलेगा डेफिनेटली जो है इसको सस्टेनेबल रखने में आसानी जाएगी। ये जो है तकरीबन अगर आप परसेंटेज की बात करें तो अभी जो है तकरीबन 70-90% काम हुआ है, ठीक है, कहीं 70% हुआ है, कहीं 90% की बात है, अलग अलग काम पर है, डेफिनेटली हम इसको 100% कर सकते हैं। क्या है सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वहाँ के रहने वाले रेसिडेंट, आपके ज़रिए से मैं उन सब तमाम रेसिडेंट्स को ये अपील करना चाहूँगा, अगर आपके कोई वाटर बॉडी है, वाटर चैनल है, इरिगेशन कूल बहता है या नाला रिवर बहता है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें लीड लेने के लिए तैयार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कंट्रीब्यूशन करे, कोई मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करे, उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन ऐसा भी लगता है कि वो श्रम के नहीं दे सकता, मान लीजिए 2-4 दिन जो है आकर के जंगल लोग जो है खुद साफ सफाई में लग जाएंगे, जमीन की साफ सफाई करेंगे, तो गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से कमिटेड है, उस पर एक्सपेंडिचर लगाए जितना भी लग जाए। तो बता दूँ पहली बार पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देखेंगे तो लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया पर हमने PSA लगाया है, गवर्नमेंट सीरियस है। डेफिनेटली जो है हमारा जो भी एनवायरनमेंट डैमेज करने में मेन रोल जो है उन्होंने अदा किया है, अब दिन जो है बदल गए हैं, डेफिनेटली जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो भी हटाएंगे, कोई इलीगल फिलिंग करता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, म्यूनसिपालिटी ने पिछले 4 महीनों में मोर देन 400 स्ट्रक्चर गिराए हैं, LCMA ने जो है उतने ही स्ट्रक्चर्स गिराए हुए हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी कुछ एक इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, हमने लिस्ट किए हैं, उन पर भी आ जाए। आपको याद होगा 21 फरवरी 2021 में हमने एक मुहिम यहाँ पर उठाई थी अंडर मिशन एहसास। आपको याद होगा कि पिछले 30 साल से ये जो हमारी खुशहाल सर है इसकी हालत क्या थी, फिर जो हमने यहाँ पर ये मुहिम उठाई उसमें सबसे पहले मैं अकेला निकला था, उसके बाद मेरे कज़िन्स मेरे साथ आए जो इस वक्त मौजूद है, रियाज साहब, मुजफ्फर साहब और क्या नाम अल्लतीफ़ साहब, तो फिर उसके बाद जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स वो भी यहाँ पर आए, फिर सरकार जुड़ गई, तो हमने
इकट्ठे एक और नेक बन के ये मुहिम उठाई। तो जब ये मिशन एकम्पलिश हुआ फिर सबको खदशा था कि ये क्या ये सस्टेन रहेगा। उस सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रख कर कुछ दिन पहले मैं अपने वर्थी डिविजनल कमिश्नर साहब को मिला, उनको मैंने कहा कि यहाँ इसको हम एक बार क्लीन ड्राइव करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका पूरा सपोर्ट देंगे। तो उन्होंने SMC इरिगेशन डिपार्टमेंट और लुकमा LCMA तो उनको भी जोड़ दिया और आज हम इसको शुरुआत करेंगे। ये जो हमारा ये मिशन अंडर मिशन एहसास हो रहा है इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीम का, यहाँ के स्टेक होल्डरों का जो हमेशा मेरा साथ देते हैं इसमें। दूसरी बात है कि इसमें जो ये पेंटून आया, क्योंकि पेंटून एक अहम कंपोनेंट है इस लेक के लिए, जो भी मलबा इसमें निकलेगा वो पेंटून पे डालना पड़ता है और फिर इसमें रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने कुछ दोस्तों को गुजारिश की तो उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर हमारा जो इसमें JCP जो अहम इसका दूसरा एक कंपोनेंट है उसके लिए भी मुझे अपने दोस्तों ने इसमें स्पॉन्सर करके आज यहाँ पर हम उसका काम शुरू करेंगे। कितना चैलेंज, उन्होंने जो हमको इसमें सपोर्ट किया है मीडिया ने, तो वो भी एक काबिल तारीफ़ है। अब इसमें ये जो असल में हम सबको ये एहसास आना चाहिए कि ये डस्टबिन नहीं है, ये एक वाटर बॉडी है। और अगर हमारी खुशहाल सर और गिल सर और नाले अमीर खान और पोखरीवाल ठीक रहा, हमारा डल भी बच जाएगा, हमारा निगेन भी बच जाएगा। हमने ये मुहिम उठाई है NIT के साथ, हमारे आज डॉक्टर अशरफ साहब भी आए हैं यहाँ पर मेरे। आप देख लीजिए, मैं आपको अजीब बात बताऊँगा, 2 बजे रात यहाँ एक मोहम्मद शफी है यहाँ के एक स्टेक होल्डर जिसने ये मशीन यहाँ पर इसमें हेल्प कर दिया यहाँ लाने में। तो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख कर सबका साथ साथ है इसमें। तो हमें जो इसमें हर्डल्स लाते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब हमें ये हमें काम करने दे दे। और हमने ये मुहिम उठाई है, वी हैव स्टार्टेड दिस मिशन एंड विल इंशाल्लाह अकम्पलिश। हम देखेंगे आने कि हम अगर हम एक बार सब चीज़ें उठाएंगे वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम पहले कुछ एक विल ट्राई टू सेट अप एन एग्जाम्पल्स, हमने यहाँ खुशहाल सर की एक एग्जांपल उठाई, फिर सरकार को काम है आगे जाए इसमें। तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अब पैसा भी आ गया यहाँ सेंट्रल से, तो लेट देम डू द वर्क और हमारा साथ पूरा साथ होगा। लोग चाहते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हो जाए, लोग यहाँ पर इस वक्त हम कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। और इसमें आप देखेंगे हमारा कमिंग अर्थ डे है 22 मार्च, उस दिन भी हम आपको सरप्राइज देंगे। तो इसी तरह आपको याद होगा निगीन, जब निगीन की हालत क्या थी, कैसा ठीक हो गया। अब खुशहाल सर इसमें लोग चलते थे, जानवर चलते थे 2000 लास्ट ईयर से, तो अब आज इसकी हालत देख ली कितनी अच्छी है। तो अब इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने आज ये आगाज़ उठाया है।